चुका है, हम मेट्रो के अंदर है इस वक्त और देख सकते हैं आप मेरे साथ अमित और मेट्रो के सफर का हम आनंद लेते हुए देख सकते हैं। ज़्यादा क्राउड नहीं है यहाँ पे और मोस्टली क्राउड होता है मेट्रो के अंदर, लेकिन इस वक्त क्राउड नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो जॉब टाइमिंग है, छुट्टी का टाइमिंग होता है जॉब का, उस वक्त लोग जा चुके हैं और 11 बज चुके हैं और इस वजह से यहाँ पे मेट्रो ज़्यादा खाली पड़ी है। लगभग आप देख सकते हैं इस वक्त हम चावड़ी बाजार पहुँच चुके हैं। ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, लगभग एक घंटे बाद मेरी ट्रेन आ जाएगी और मैं स्टेशन के अंदर एंट्री ले रहा हूँ। आप देखते रहिए और ये नजर आ रहे सामने। तो गाइस हम स्टेशन तक पहुँच चुके हैं और अब स्टेशन से नीचे उतरेंगे और दिखाता हूँ, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे और थोड़ा ट्रेन का वेट कर रहा हूँ मैं और आप देखते रहिए भीड़ देखिए आप कितना क्राउड है यहाँ पे। तो हम ट्रेन का वेट करेंगे और उसके बाद में दिखाता हूँ आपको और थोड़ा भीड़ भी देख लीजिए आप कितनी भीड़ है यहाँ पे स्टेशन के पास। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ क्राउड ही क्राउड दिख रहा है और इधर ट्रेन है, इधर भी ट्रेनें खड़ी है। तो मैं दिखाता हूँ आपको आगे। और अब हम चढ़ेंगे, आप देखते रहिए ट्रेन पहुंच चुकी है, ट्रेन से हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं आज। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं और D3 में एंट्री कर रहा हूँ मैं और मैं फाइनली अपने उसमें डिब्बे में चढ़ गया हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मैं आपसे डिब्बे में चढ़ गया हूँ, देखिए आप ट्रेन के पहुँच में आ चुका हूँ। फाइनली हम बर्थ आ चुके हैं और सीट पे बैठ चुके हैं और मैं दिखाता हूँ आपको अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है। उसके बाद कुछ ही समय में ट्रेन चल पड़ेगी यहाँ पर और जैसे भी आप ट्रेन चलेगी मैं आपको दिखाता हूँ आगे का क्या प्रोसेस है। आप देखते रहिए ऐसा नहीं था लेकिन अब काफ़ी अच्छे चार्जिंग पॉइंट वगैरह लगा दिए थे। आप देख सकते हैं सफ़र में भी मज़ा आता है करने में जब ऐसा गवर्नमेंट फैसिलिटीज देती है, तो सफ़र का आनंद लें आप भी मेरे साथ और देखते रहिए अबीर फूड ब्लॉग। तो गाइस हम फाइनली उतर चुके हैं और अब टूवर्ड्स ऑफ एग्जिट और एग्जिट की तरफ जाते हुए देखिए आप कितना यहाँ पे रश था, क्राउड था आप देख सकते हैं। और उस वक्त मैं एग्जिट की तरफ जाता हूँ, आप मैं आगे दिखाता हूँ फिर एग्जिट के बाद, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ से एग्जिट के बाद मैं वहाँ से मैं मेट्रो लूँगा, दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई हम आ चुके हैं, अब यहाँ से टिकट मेट्रो में जा चुके हैं अंदर और मेट्रो से टिकट लेंगे हम। भाई टिकट दे दो एक साकेत की, साकेत की टिकट दे दो, कितने की है? 40। तो
सामने हमारे पास ये टिकट की पर्ची, और ये सामने टोकन, जो कि टोकन से बाहर निकलेगा, तो देखते रहिए आप। प्लेटफॉर्म पे और यहाँ से मैं मेट्रो लूँगा। थोड़ी देर मुझे वेट करना पड़ेगा, लगभग 5 मिनट का टाइम है, उसके बाद मेट्रो आ जाएगी। देखते रहिए आप। फाइनली गाइस, समय आ चुका है आप सफ़र करने का मेट्रो में, और जो जिस घड़ी का इंतज़ार था वो हो चुकी है, और हम मेट्रो के अंदर प्रवेश करेंगे और हम एंट्री लेते हैं। देखिए आप मेट्रो में जाते हुए अंदर देख सकते हैं। भीड़ नहीं इतनी, मोस्टली यहाँ पे भीड़ होती है। इसमें क्या है ना, जो जॉब की टाइमिंग है वो टाइमिंग पूरी हो चुकी है, और लगभग 11 बजने वाले हैं और मेट्रो में मौजूद है। इस वक्त मेट्रो मिल चुकी है हमें फाइनली, और हमारा आगे का सफ़र जारी रहेगा मेट्रो के साथ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा क्राउड है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, और राजीव चौक से क्राउड बढ़ चुका है ट्रेन के अंदर मेट्रो में। तो फाइनली गए थे, उतर चुके हैं मेट्रो से एग्जिट की तरफ जाते हुए, और फाइनली हमारा जो स्टेशन था साकेत, उधर पहुंच गए हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं सामने निकलते हैं, देख सकते हैं एग्जिट की तरफ जाते हुए निकल चुके हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं और एग्जिट से बाहर निकलते हुए, आप देख सकते हैं रास्ता काफ़ी लंबा है, लेकिन ज़रा लंबा भी नहीं है। तो गाइस आपसे मैं, तो गाइस हमें सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। मैं आपको ऐसे ही दिखाता रहूँगा और पूरा हिंदुस्तान घुमाता रहूँगा। इसी तरह से मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।